तो क्या माइनक्राफ्ट के ज़ोंबीज इनविजिबल विलेजर्स को भी देख सकते हैं, और क्यों ये ज़ोंबी नफरत करते हैं इन एग्स से? तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रेजी मिथ्स को। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और बढ़ते अपने फर्स्ट मिथ की तरफ को। ओके, सो अपने फर्स्ट मिथ के अकॉर्डिंग जो ये ज़ोंबी है वो इनविजिबल विलेजर्स को भी देख सकता है और उन्हें डैमेज कर सकता है, मतलब उन्हें एक ज़ोंबी विलेजर में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर पोशन डालता हूं इनविजिबिलिटी का। अब भाई रुक जाओ, पोशन ले ले तू पहले। नहीं, एक सेकेंड लग जा। ओके ठीक है, अब हो चुका है ये इनविजिबल। तो क्या अभी भी ये ज़ोंबी इसको देख पा रहा है? ओ माय गॉड, ये इसको देख पा रहा है भाई। तुम लोग देखो, लिटरली हाँ देख पा रहा है, और इसने इसको डैमेज भी करा है। ओके क्या ये कन्वर्ट होगा? आई थिंक ये कन्वर्ट होना चाहिए। हाँ देखो, ये कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये मिथ कन्फर्म है। मतलब जो ज़ोंबी है वो इनविजिबल विलेजर्स को भी देख सकता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ को। ओके, सो नेक्स्ट मिथ के अकॉर्डिंग जो तुम्हें एक इनविजिबल वॉल बना सकते हो अपने ज़ोंबीज से प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि जो ये रेल है जो तुम्हें दिख रही होगी बिल्कुल सिंपल सी, ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है अपने ज़ोंबीज से। जो मैंने कहा कि ज़ोंबी इनको क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल तुम्हें फ्लैट दिख रही होगी, तुम्हें दिख रही होगी इसको यार हर कोई क्रॉस कर सकता है, अपने भी क्रॉस कर सकते हैं, बट यहाँ की जो ज़ोंबी है वो इसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, नाइट कर देता हूँ, वरना क्या दिन में तो ज़ोंबी जल जाते यार, तुम्हें पता है इतना तो। बाकी यहाँ पे नाइट हो चुकी है, अब यहाँ पे ज़ोंबी स्पॉन करते हैं, और अब मैं आ जाता हूँ सर्वाइवल में। और सर्वाइवल में आने के बाद ये जो ज़ोंबी है अब मेरे ऊपर देखना अटैक करना आएंगे, बट ये मेरे पे अटैक नहीं कर पा रहे, जैसे तुम देख सकते हो। भाई साहब मैं थोड़ा क्लोज जा रहा हूँ तो मेरे को मार रहा है, बट बाकी ये अटैक नहीं कर पा रहे, तो तुम लोग देख ही सकते हो सिंपल। तो यार ये मिथ भी अपना कन्फर्म होता है कि अगर तुम्हारे पास ज़ोंबी है तो तुम अपने आसपास रेल लगा दो, उससे तुम बच जाओगे, एकदम इनविजिबल वॉल बन जाएगी। और जैसे मैं बाहर आता हूँ ये देखो, ये आ जाएंगे मेरे पीछे पीछे, ये देखो ये आ गए, और जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं वापस सेफ। सो ये मिथ काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। ओ माय गॉड, एक बंदा अंदर आ गया, बट वो अंदर दूसरे ज़ोंबी के धक्का मारने से आया, अब ये बाहर नहीं आ सकता। देखो तो यार एक और चीज़, तुम इससे कैप्चर भी कर सकते हो ज़ोंबी को। ओके ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ को। ओके सो नेक्स्ट मिथ के अकॉर्डिंग जो अपना आयरन का गोलम है, आई मीन जो अपने पूरा लोहा पुरुष है जो है अपना माइनक्राफ्ट का, वो जो है अपने फॉल डैमेज लगता ही नहीं उस बंदे को, मतलब कि वो उसको फॉल डैमेज क्या, उसको तो उससे दूर दूर तक कोई लेन देन ही नहीं, उसका कोई रिश्ता ही नहीं फॉल डैमेज से। तो यार ये मिथ कहता है कि जो अपना आयरन गोलम है उसको फॉल डैमेज लग ही नहीं सकता है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो एक काम करते हैं फटाफट से, यहाँ पर मैंने एक अच्छी खासी हाइट बनाई है, अब इस हाइट के ऊपर अपने एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको स्पॉन करते हैं आयरन गोलम को। यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना मेरे को, एंड अब मेरे को लगाना है इसके ऊपर एक हेड, देन अपना काम हो जाएगा। क्या अब मेरे को इसको नीचे गिराना है, और मिथ के अकॉर्डिंग इसको फॉल डैमेज नहीं लगाना चाहिए। तो अभी एक काम करते हैं, 3 2 1 गो। चलो भैया गया नीचे, अपन भी चलते हैं, और इसको भाई फॉल डैमेज नहीं लगा। मैंने इसको देखा भाई, इसको फॉल डैमेज क्या, इसको कुछ डैमेज ही नहीं पड़ा भाई, ये तो हट्टा कट्टा खड़ा है, तुम लोग देख सकते हो। हाँ भाई, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तो ये मिथ भी कन्फर्म है भाई, तेरे को तू तो लोहा पुरुष है यार अपना माइनक्राफ्ट का। ओके बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ को, और इसको करते हैं ये पे बाय। ओके सो नेक्स्ट मिथ के अकॉर्डिंग जो अपने माइनक्राफ्ट की ये ज़ोंबी है, ये वाला ज़ोंबी अपने जो है ये एग्स जो होते हैं ना टर्टल एग्स, इनको ये तबाह कर देते, मतलब एकदम इनको पता नहीं क्या ही दुश्मनी है। तो यहाँ पे एक ज़ोंबी है मेरे पीछे ही है, ये ज़ोंबी जो है अपने इस एग से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है अभी, हालांकि ये इसको देख नहीं पा रहा है एग को, इसलिए आई थिंक अगर जैसे ही एग को देखेगा ये गुस्सा हो जाएगा। तो देखो मैं दूसरा स्पॉन करता हूँ, अभी देखना, इसने देखा एग को और इसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और तू भाई कहाँ, तू नींद ले रहा है यार, इसको देखना अभी ये भी तोड़ना स्टार्ट कर देगा इस एग को जैसे ही देखेगा। एक और रिस्पॉन्ड कर देता हूँ मैं, ये देखो भाई लाइन लगा पड़ी है इनकी, लाइन लगा दी इन्होंने, मैंने बस लाइन में ऐसे बिछाए थे और ये बस स्टार्ट कर दिए इन्होंने भाई, मतलब इनके अलग ही मजे है भाई, ये एक तोड़ना अलग ही पसंद करते हैं। ओके तो यार ये मिथ भी कन्फर्म है, जो अपने ये ज़ोंबी है ये इन एक से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, बट ये नफरत करते हैं, और देखो लड़ भी रहा भाई इनको तोड़ने के लिए, तो ये मिथ भी कन्फर्म है। ओके सो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों को जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यार ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बाकी तो मैं से और मजेदार वीडियो मिस देखना है तो तुम लेट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। ओके बाय बाय।